अमृत हिंदी न्यूज यूट्यूब पटना बिहार की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क पटना बिहार के पार्क परिसर में आप यहां देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मिरर, टेराकोटा मिरर पर आधारित वीर कुंवर सिंह जीवन गाथा का यहां प्रदर्शन किया गया है, जिसका आयोजन कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार पटना और जिसमें सहयोग दिया है, और इस मिरर कार्यशाला का आयोजन उपेन महाती शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना बिहार में किया गया था। 10 दिनों का वर्कशॉप था और इसका नेतृत्व किए थे बिहार के और भारत के बहुत सारे वरिष्ठ टेराकोटा विशेषज्ञ कलाकार, और निर्देशन था उपेन महाती शिल्प अनुसंधान संस्थान पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उपेन महाती शिल्प अनुसंधान संस्थान के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, जो कि बहुत ही कला प्रेमी हैं और विशेष रूप से और बहुत ही उपयुक्त जगह जो है इस मिरल जीवन गाथा बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवन गाथा पर आधारित टेराकोटा मिरल का, जिसका लोकार्पण आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, और इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सुशील कुमार मोदी जी भी थे, और विशिष्ट अतिथि जय कुमार सिंह माननीय उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और अध्यक्षता किया कला संस्कृति युवा विभाग के माननीय मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने। आइए देखते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवन गाथा पर आधारित टेराकोटा मिरल, जिसका आयोजन लोकार्पण विजयोत्सव 2018 के गौरवपूर्ण अवसर पर आज किया गया। यहाँ जीवन गाथा पर आधारित सभी मिरर्स हैं। बहुत ही सुंदर और डिटेल्स में दिखाऊंगा अभी। आइए अंदर देखते हैं। आराम से लीजिएगा तब ना सर आएगा पिक्चर। हाँ हाँ, ऐसे तो फिर तो चलते रहिएगा। नहीं नहीं, अभी मैं जो हूँ डिटेल से दिखाऊंगा और आगे शुरू से देखेंगे, दर्शक जो है शुरू से देखेंगे हमें, क्योंकि कहानी जो है आगे से शुरू हुई है, और जहाँ से शुरू हुई वहीं से देखने में वो उसका महत्व भी है, नहीं तो फिर बेकार जैसा रहेगा। यहाँ जो है दृश्य जो है आप देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह के चार भाई, पिता साहबजादा सिंह अपने बड़े पूरे परिवार के साथ है, और यहाँ ये वीर कुंवर सिंह हैं और उनके ये पिता हुए साहबजादा सिंह, और ये उनकी माता जी हैं
और जो भी वीरता का गुण इन्हें मिला वो अपने माता पिता के कारण ही उन्हें मिला। और बहुत ही सुंदर ये दृश्य है, म्यूरल है जिसमें उनका पूरा परिवार जो है दिख रहा है, माता पिता के साथ वीर कुंवर सिंह, बहादुर वीर कुंवर सिंह है ऐसे ही, और वरिष्ठ कलाकार विनय पंडित है, सहायक योगेंद्र पंडित। हाँ, विरासत में वो सारे संस्कार मिले, ये इस भूमि की विशेषता भी रही है, त्याग और बलिदान से भरी हुई धरती रही है। समय समय पर इतिहास जब से ज्ञात है तब से वीरों की भूमि रही है, त्याग और बलिदान की गाथाएं रही है, उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन होता रहा है। और उसी कड़ी में साहबजादा सिंह के परिवार का ये दृश्य है जहाँ से ये वीरता के संस्कार कुंवर सिंह को मिले, और कुंवर सिंह अपने इस जो इतिहास की आवश्यकता को उन्होंने अपने समय पे साकार करके अजर अमर बना दिया अपने को। इस प्रकार से ये भरा भरा परिवार का दृश्य, और ये अगर विशेष की वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता का अगर कोई श्रेय जाता है तो विशेष रूप से राजा साहबजादा सिंह का, जो इनके पिता थे वीर कुंवर सिंह के, और उनकी माता रानी पंचरत्न कुंवरी देवी सिंह। ये संस्कार इन्हें अपने माता पिता से ही मिला, विरासत में मिला है जी। और हम हमें संतान है, वीरों की संतान है, ये बीज के रूप में कुंवर सिंह के पास परिवार से आया, और इस विरासत को इन्होंने एक इतिहास से गढ़ने में लगा दिया। अवसर आते हैं जब वीरता निखर कर सामने आती है। आरा के जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था, जगदीशपुर में, जगदीशपुर। और यहाँ वीर कुंवर सिंह घोड़े पे सवार हैं, इस प्रकार से अपने जनहित कार्य जैसे तालाब, सड़क, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद निर्माण, वृक्षारोपण, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण के भी समर्थक थे वीर कुंवर सिंह। हाँ, हरा भरा पूरा जो उनका रियासत क्षेत्र था उसको उन्होंने बहुत सुंदर बनाया था, सड़क, तालाब, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, ये सब इन्होंने अपने क्षेत्र को गौरवपूर्ण बनाया था। इस तरह से कुंवर सिंह का जो तुम भी आ जाए के विरुद्ध तो उनका संघर्ष रहा, लेकिन अपने समाज के सब लोग जो उनके रियासत थे सबके लिए उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य में हमेशा आगे रहे। इस म्यूरल के वरिष्ठ कलाकार हैं लाला पंडित और सहायक सुश्री ममता केसरी। अब आगे इसमें देखिए, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है ये म्यूरल। बाबू वीर कुंवर सिंह का सर्वजन सम्मान, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये तो हाँ बहुत ही गजब लग रहा है, है कि नहीं? इसमें हाँ मीरल जो है सबसे गजब होता है कि पुजारी किसी पंथ, किसी पथ के गुलाम नहीं है, वो मानवता के पुजारी हैं। इस प्रकार से इस मीरल में दिखा गया कि सभी पंथ के लोग, जो भी मजहब के लोग उनके क्षेत्र में रहते थे वो उनके अपने लोग हैं, और किसी से नहीं वैर नहीं था, वैर नहीं, सभी से पैर प्यार, सबको प्यार, सहकार, सबको दुलार, ये मानवता, घृणा किसी से नहीं थी, नहीं किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो सबका उसे घृणा नहीं थी। इस प्रकार से कुंवर सिंह के इस मुरल में इनके ऐसी छवि, और लग रहा है ये किला का दृश्य है, है ना, किला के अंदर बाहर सब तरह के लोग उनके साथ रहते थे, सभी लोग उनको उतना ही सम्मान देते थे जितना वो उनको प्यार करते थे। इसके जो है प्रमोद यादव जी वरिष्ठ कलाकार हैं इस मीरल के, मीरल के टेराकोटा के, और ललन कुमार प्रजापति हैं सहायक, सहायक जी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। बाबू वीर कुंवर सिंह लोक गायन के रसिक, लोक गायन के बहुत प्रेमी थे, लोकगीत के, वीर कुंवर सिंह जो थे लोकगीत के बहुत ही प्रेमी। क्षेत्र भी ऐसा है रहा है, आ रहा हाँ, भोजपुर क्षेत्र जो बहुत विरासत में
लोक शैली में ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी के जो कला है वो लोक शैली में गायन वादन के माध्यम से आज भी चलते हैं। तो इस प्रकार से लोक कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा करके और अपने समय तक लाने में कुंवर सिंह ने भी अपनी बड़ी बड़ी भूमिका निभाई और ये स्वयं इसके बड़े प्रेमी थे। लोक कलाकार लोक गीत के माध्यम से ये लोक कलाकारों को भी प्रोत्साहन देते थे और स्वयं इसके बहुत ही प्रेमी थे। इस प्रकार से और जो लोक गायक होते थे उन्हें अपनी ओर से आर्थिक सहयोग भी करते थे और सम्मान भी देते थे। सामाजिक हर प्रकार सम्मान उसकी गौरव उसकी गरिमा प्रतिष्ठा का ध्यान रखते थे। इस प्रकार से सम्मान से वो कला जीवित भी रहा आगे बढ़ा। आप दर्शक हैं बताइए कैसा लग रहा है। ये लोकगीत के बहुत ही प्रशंसक थे बाबू वीर कुंवर सिंह, क्या कहेंगे आप? आप भी लगता है लोकगीत के प्रशंसक होंगे, प्रेमी होंगे। सर लोकगीत प्लस में जो है सो ये जो चित्रकारी है सर, म्यूरल टेराकोटा के प्रति हमारा जो है ना अनुराग। आपका परिचय, अपना परिचय सबसे पहले देना चाह रहा हूँ, उनके बारे में तो कभी करूँगा। मैं नौबतपुर थाना ग्राम पोस्ट खजरी से, मैं मिठू कुमार बेरोजगार युवक हूँ, अपना किसी तरह भरण पोषण कर रहा हूँ। लेकिन मैं भागे भागे खास करके पेपर में देखा कि इस तरह का कार्यक्रम मतलब जो है ना होने वाला है और मतलब तो मैं भागे भागे आ रहा हूँ। यहाँ पर जो मतलब कलाकारी देखा उस कलाकारों को मैं तहे तहे दिल से ये देख करके रोना आता है। दुर्भाग्य है इस बिहार के मिट्टी का, बिहार के लोगों का कि जो इनसे प्रेरणा न ले। इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आसमां गूंज उठा है इनकलाब के नारों से, धरती माकरा रही है नेता मंत्री देश द्रोही अफसरशाही गद्दारों से, एक बार फिर उठो जवानों मेरे इन ललकारों से, मुक्त करा दो इस धरती को भ्रष्टाचारों से अत्याचारों से बलात्कारों से। मैं इस चित्रकारी को देख करके मुझे तो रोना भी आता है और कलाकारों के क्या वर्णन करूं जो बनाया है। एक बात, आज जो है हमारा युवा वर्ग और छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे और महिलाएँ वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा को भूल गया है। वीर कुंवर बाबू तो मतलब जो है सो इनका वर्णन समझिए कि जनक है। हाँ। अंग्रेजों का जो छक्के छुड़ाने में हाँ। इतना योगदान किसी भी योद्धा को आज तक रहे नहीं जाएगा आजादी के बाद से। आज जो दुर्दशा हो रहा है लग नहीं रहा कि आजादी को हम लोग सम्मान दे रहे हैं, वो व्यर्थ जा रहा है। हाँ। लेकिन भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को और यहाँ के युवा वर्गों को विशेष ध्यान देना चाहिए और इन लोगों से प्रेरणा लेकर हमारे वीर कुंवर बाबू एक नहीं करोड़ों लाखों वीर को बाबू पैदा करना चाहिए और होना चाहिए। हाँ हाँ। ताकि हमारा फिर से हमारे देश को अंग्रेजी जैसे यहाँ के भ्रष्ट लोग इस पर हुकूमत ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक ओके, आइए क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने को भी समय भी कम है ना। ये यहाँ दिखाया गया हिंदू मुस्लिम दोनों के चाहिता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति, हिंदू मुस्लिम दोनों के जो है वो समर्थक थे, किसी के विरोधी नहीं थे। ये वीर कुंवर सिंह ने अपने क्षेत्र में धार्मिक रूप से भगवान से अल्लाह से जिससे भी जिसका नाता आसानी से जुड़ता है वो उस रास्ते के लिए हर व्यक्ति को प्रोत्साहन करते थे। मुख्य रूप से यही था कि सभी लोग ईश्वर परायण बने। हाँ। और किसी में पंथ के दृष्टि से भेद हो सकता है, रास्ते अनेक हो सकते हैं लेकिन घाट है तेरे हो सकते हैं, लेकिन सबको प्यास बुझनी चाहिए आध्यात्मिक प्यास। तो उसके लिए सांप्रदायिक सौहार्द का भावना इनके क्षेत्र में रहा और इसके बहुत बड़े समर्थक ही थे और इसलिए इनको सभी का सम्मान था। इनके राज्य में जो भी निवास करते थे इनके क्षेत्र में वो सभी इनका बहुत सांप्रदायिक दृष्टि से इनका सम्मान करने वाले इनके प्रति दोनों इनके समर्थक थे। इस म्यूरल टेराकोटा के वरिष्ठ कलाकार हैं सन्यासी रेड और सहायक पंकज कुमार। पंकज कुमार बहुत ही अच्छा स्टाइल है, नया स्टाइल है। हाँ। है ना, नया स्टाइल बहुत ही सुंदर और जिस वृक्ष को प्रतीकात्मक है, जिस तरह के वृक्ष के छाव में सभी के लिए छाव मिलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई, कोई भी हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, वृक्ष की छाव में आने पर सिंबल भी दिया है। इधर देखिए ओम दिख रहा है झंडा पे, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ भी मुस्लिम है तारा, और यहाँ चांद तारा दिख रहा है झंडे पे, और ये दिखा रहे कह रहे कि ईश्वर एक है। हाँ। संतन की बड़ी है ना,
ईश्वरी जैसे वृक्ष की छांव में सबको छांव देता है, ना हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं था, ऐसे विशाल व्यक्तित्व जो होते हैं वो सबको अपना प्यार सहकार देते हैं, ऐसा ही विशाल व्यक्तित्व वीर कुंवर सिंह। यहाँ सोनपुर मेले में क्रांतिकारियों के साथ गुप्त बैठक में, ये गुप्त बैठक है, मीटिंग है सोनपुर मेले में देश में, और इसके वरिष्ठ कलाकार है रश्मि सिंह और सहायक उमेश पंडित। सोनपुर मेला का दृश्य, ये मगरमच्छ है सोनपुर का दिख रहा है, मंदिर है, हाथी है, और यहाँ जो है सोनपुर में जो ऐतिहासिक ग्रह गज और ग्रह के बीच के युद्ध जो युद्ध का हो और भगवान विष्णु उन्हें बचाने आए थे, तो इस तरह से वो सोनपुर मेले का दृश्य दिख रहा है इसमें। सोनपुर मेले में ये झूला देश में झूला दिख रहा है। देश में उस समय जो भी क्रांतिकारी अपने आंदोलन चल रहे थे वे लोग गुप्त रूप से अपनी योजना बना करके ऐसे मेलों में भीड़ के बीच में आकर के अपने गुप्त मंत्रणा करते थे, और बाबू कुंवर सिंह उसके व्यवस्था बनाए थे अपने सोनपुर मेले में, और पूरे देश में के क्रांतिकारी वहाँ इकट्ठे आए थे, और उस बैठक में इन्होंने अपने क्षेत्र में जो करना है उसके एक संकल्प इनके मन में जगा था। इस प्रकार से गुप्त मेले में क्रांतिकारियों के साथ इनकी मंत्रणा का ये दृश्य है। यह भी बहुत ही अच्छा म्यूरल टेराकोटा है, 1857 का विद्रोह दिख रहा है, अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे करते हुए बहादुर बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि जिनके हाथ में भाला है और घोड़े पर सवार है, और बहुत ही सुंदर दृश्य है अंग्रेजों के साथ ये सामना कर युद्ध का दृश्य बहुत ही सुंदर, घोड़ा देखिए, और यहाँ जो एक अंग्रेज है गिरा हुआ घोड़ा भी दिख रहा है, बहुत ही सुंदर कलाकृति है, और चेहरे का भाव देखिए वीर कुंवर सिंह का, बहादुर बाबू वीर कुंवर सिंह का भाले के साथ ओतप्रोत है पूरा, बहुत 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 अति उत्तम। और रामू कुमार, सच में कहा जाए रामू कुमार बहुत ही अच्छे वरिष्ठ टेराकोटा कलाकार हैं, क्योंकि इसमें भाव जो दिख रहा है सही में बहुत ही स्पष्ट है। क्या कहेंगे आप नंदन कुमार जी, आप भी टेराकोटा आर्टिस्ट हैं, बताइए जरा इसके बारे में। ये हमारे गुरुदेव जी के रचना है, रामू कुमार जी आपके गुरु हुए, संक्षेप में बताएंगे। मैं पढ़ रहा था उस समय, ये देख कर बताइए, इसको देख के बताइए, टेराकोटा के जो है और ये बहुत अच्छी कंपोजिशन है बाबू कुंवर सिंह की सेना और अंग्रेज सेना के बीच, और ये युद्ध जो है महाभारत युद्ध की तरह विकराल दिखी जाए, बहुत ही जीवंत बधाई बधाई की पात्र है रामू कुमार जी, है ना, बधाई की पात्र युद्ध है, बहुत बहुत जीवंत सामने देख रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलिए देखिए एकदम भाव चेहरा में जो आया है, और इस प्रकार से सैनिक युद्ध का एक दृश्य सामने आ गया है, कल्पना चित्र साकार चित्र के रूप में, मतलब ऐसा लग रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के चरणों में ये अंग्रेज जो है त्राहिमाम कर रहा है। ये देखिए एक अंग्रेज जो है इसकी क्या हाल है देखिए, ये एकदम कितना अच्छा रौंद, ये बहादुर वीर कुंवर सिंह के चरणों तले रौंदा हुआ है हाथी, ये घोड़ा के भी जो है इसे रौंद रहा है बहादुर वीर कुंवर सिंह का, घोड़ा भी बहुत बहादुर था, और अंग्रेज जो है इनके पैरों तले रौंदा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाबू की वीर कुंवर सिंह घायल नहीं होते तो 1857 में जो क्रांति है जी, देश आजाद और पहले हो गया रहता, 1947 के पहले ही हमारा देश आजाद हो गया रहता, और हमारे भारत को आज सैकड़ों चाहिए वीर कुंवर सिंह जैसे सपूत। और यहाँ देखिए यहाँ जो है ये म्यूरल में लॉन्ग मार्च 1857 लॉन्ग मार्च के दौरान नाना साहब एवं तात्या टोपे के साथ जो है वीर कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह का ये बहुत ही बड़ा और विशाल ये इनका पोर्ट्रेट दिख रहा है, चेहरा बहुत गजब, राजेश राम जी ने बनाया है वरिष्ठ कलाकार, अभिमलेश कुमार प्रजापति ने, इनका चेहरा हाव भाव देखिए वीरता झलक रहा है इनके चेहरे से, ये बहादुर शेर आरा के बहादुर शेर, बिहार के बहादुर शेर, भारत माता के अमर सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह ने
राजेश राम ने देखी कितना अच्छा, ये बहुत सुंदर अति सुंदर। इस प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर जो 1857 का विद्रोह था, उस समय जितने भी क्रांतिकारी नायक थे, क्रांतिकारी नायक से वीर कुंवर सिंह का अंतरंग संबंध बन चुका था नाना साहब और तात्या टोपे के साथ। और ये देखिए, इसमें 1858 में आजमगढ़ में अंग्रेज सेना के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह का युद्ध, जिसमें अंग्रेज सेना की हार हुई थी, और इस म्यूरल टेराकोटा के वरिष्ठ कलाकार हैं उदय पंडित जी और सहायक हैं गौरी शंकर पंडित। इसमें देखिए इनकी इनकी आंखों में जो गुस्सा है अंग्रेजों के प्रति, देख लीजिए बहुत ही एकदम। और घोड़ा भी जो है बहादुर घोड़ा है, और वह भी जो है पूरे गति में है, और अंग्रेज जो है इनके पैरों तले रौंदा जा रहा है, देख लीजिए अंग्रेज जो है इनके पैरों तले रौंदा हुआ है। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि चेहरे पर देखिए इनके युद्ध में गुस्सा, संकल्प, संकल्प शक्ति का विजय होता है साधनों से नहीं, संकल्प से लड़ा जाता है, और संकल्प से लड़ करके इन्होंने विजयी होकर के दिखा दिया कि हम उन्हें वीरों के संतान है, सपूत है, जिसने कभी हारा नहीं और जिसने कभी भी अपने को पराजित स्वीकार नहीं किया, मरते दम तक देश के लिए लड़ते रहे और देश को गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया, और गुलामी के विरुद्ध सतत संघर्ष का हमें संदेश उन्होंने दिया है अपने त्याग अपने बलिदान से। और आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है करना है विश्व का नए इतिहास की रचना करने के लिए, आज हमारी बारी है त्याग और तप पर चलकर, मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर क्या दूर किनारा, फिर क्या दूर किनारा, आज हमारी बारी है, और हमें इससे प्रेरणा लेकर के एक नया इतिहास भी गढ़ना है। और ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, आज जो यह गुस्सा देख रहे हैं हम इनके चेहरे पे, आँखों में, अंग्रेजों के प्रति, देश के दुश्मन अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा बाबू वीर कुंवर सिंह की आंखों में, ये मिरर जो है टेराकोटा, उसमें जो दिख रहा है, यही गुस्सा हमारे नई पीढ़ी में भी होना चाहिए, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और भाईचारा को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये गुस्सा हमारे नवयुवकों में होना चाहिए। बिल्कुल, देश के जो दुश्मन हैं उनके प्रति यही है कि नहीं, यही गुस्सा झलकना चाहिए, यही भारत माता की सेवा के लिए भी यही जोश होना चाहिए, बच्चों में भी, युवाओं में भी, महिलाओं में भी, और जो हमारे वृद्ध हैं बुजुर्ग हैं उनमें भी, यही है कि नहीं, भारत माता की सेवा के लिए है कि धरती राष्ट्र प्रेम भी वीर कुंवर सिंह जैसा होना चाहिए। वैसे आज हर व्यक्ति को अंग्रेज देखिए यहाँ पर पैरों तले रौंदा हुआ, देखिए अति उत्तम, बहुत ही सुंदर उदय पंडित जी, देखिए बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया, एक और देखिए कितना गुस्सा है, और इधर देखिए चरणों तले अंग्रेज, बहुत ही अच्छा, अति उत्तम, बहुत सुंदर, बधाई की बात, विजयी होकर के उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विजयी संकल्प शक्ति से होता है ना कि साधनों से। और यहाँ अंग्रेजों की डोरमेंट फैक्ट्री पर हमला है, फैक्ट्री पर हमला किया गया, देखिए ये वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो है वो, ये लग रहा है रात्रि में इन्होंने कोई अटैक किया गया फैक्ट्री पे, बहुत ही सुंदर। इस प्रकार से दुश्मन का बल कैसे टूटे, आर्थिक स्थिति को कमजोर करने, इसको कुंवर सिंह ने लिखा कि हमारे मत समझो हम है नन्हे, ताकत हम में है भारी, महलों को जो राग बनाती है एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी चिंगारी, अगर एक चिंगारी को मौका मिले और चिंगारी सही ढंग से काम करे तो हम वो काम कर सकते हैं जो वीर कुंवर सिंह ने करके दिखाया था अपने जीवन में। ये जो डोरमन फैक्ट्री पर हमला, अंग्रेजों की डोरमन फैक्ट्री पर हमला का जो दृश्य दिखाया है, ये इनके वरिष्ठ कलाकार है वीर बल पंडित जी और सहायक हैं शंभू पंडित, बहुत ही सुंदर। और यहाँ आरा हाउस पर आधिपत्य के लिए अंग्रेजों से भीषण संघर्ष, ये इसके निर्माण में वरिष्ठ कलाकार रजत घोष और सहायक सुशील कुमार। हाँ, ये आरा हाउस संघर्ष है अंग्रेजों के साथ। आरा हाउस आज भी वीर कुंवर सिंह के उस बलिदानी भूमि को, वो हाउस अभी भी जिस स्थिति में है, टूटी फूटी स्थिति में है,
लेकिन आज भी उसके दरवाजे को देखिए और उनके जो देखिए तो उनके वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा सुरंग बनाया था जिस सुरंग से वो चल करके वो घोड़े सहित उस सुरंग के अंदर में घुस करके वहाँ से जब चारों ओर से गिर जाए तो उस सुरंग के सहारे वो जगदीशपुर तक निकल जाता था जो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक है। तो उस सुरंग का निर्माण इन्होंने किया था आपातकाल के लिए और आज भी वो सुरंग देखा जा सकता है। कितने संकल्प के दृढ़ थे आरा हाउस में इन्होंने जो बनाया है जहाँ आज महाराजा कॉलेज भी एक है जहाँ से वो सुरंग का एक द्वार खुलता है। और यहाँ देखिए ओम प्रकाश जी, अंग्रेजी सेना को परास्त कर आरा हाउस में झंडे उत्तोलन, अंग्रेजी सेना को हरा दिया गया, झंडा उत्तोलन हो रहा है, वीर कुंवर सिंह झंडा फहरा रहे हैं आरा हाउस में, बहुत ही सुंदर। देखिए सभी मिलकर के झंडा फहरा रहे हैं, बहुत ही खुशी है, तलवार यहाँ दिख रहा है, बहुत ही खुशी है सभी को, बहुत ही सुंदर। और ये जो है भाव होना चाहिए, ये जोश होना चाहिए सभी युवाओं में, ठंडा होने पाए, कदम मिला के चलने की आवश्यकता। और इसे मिरल के मिरल टेराकोटा के वरिष्ठ कलाकार हैं इन देव कुमार भारतीय सहायक हैं अभी से कुमार। और यहाँ युद्ध भूमि की ओर धर्मन कर्मन और सैनिकों के साथ ये देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा है, इसमें महिलाएं भी दिख रही हैं। और इसके मिरल के वरिष्ठ कलाकार हैं सुनील कुमार और सहायक हैं श्री शंकर विश्वकर्मा। बहुत ही सुंदर देखिए ये कलाकृति, इसमें देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह उनके साथ दो महिलाएं भी घोड़े पर सवार हैं तलवार के साथ, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ रानी लक्ष्मी जाई बाई जैसी ही कि वीरांगना कोई है, दो महिलाएं भी पीछे नहीं थी, नारी शक्ति भी हाँ इनके साथ, बलिदानी शक्ति के रूप में था जो प्रेरणा अंदर से ही नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र में भी आगे बढ़ करके सहयोग करते थे। नारी शक्ति कभी माना जाता था कि घर के अंदर की शक्ति है लेकिन युद्ध भूमि में साथ देने उनके नारी शक्ति भी साथ साथ थी। इस प्रकार से पूरा समाज एक युद्ध के मैदान में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। और मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये दो महिला का नाम शायद धर्मन कर्मन हो कर्मन होगा और सैनिक हैं और वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे हैं और साथ में हाथी भी है, दो हाथी भी है, भूमि है और ऊंट भी है। उस मोहल्ले का नाम है धर्मन चौक। अच्छा धर्मन चौक है और उस धर्मन टोला अभी भी दोनों महिलाओं का नाम है क्या, वीर महिला जो उनके साथ है मुस्लिम थी क्या? धर्मन भाई जो थी ना वीर कुंवर सिंह की दूसरी पत्नी के भी रूप में हेल्पर मतलब हाँ, हाँ, धर्मन चौक के नाम से आज भी वो कर्मन टोला भी आज बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। ये कला जो है जो कलाकार जो हैं उनका कला झलक रहा है, बहुत ही सुंदर चेहरे का भाव देखिए धर्मन कर्मन का, इनका चेहरा देखिए बाबू वीर सिंह का चेहरा देखिए इनका चेहरा देखिए कला के दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर। और यहाँ धर्मन टोला ये आज भी आरा के लिए बहुत ही, और ये है बाबू वीर कुंवर सिंह की छापामार युद्ध कला जिसके वरिष्ठ कलाकार टेराकोटा मीरा टेराकोटा वरिष्ठ कलाकार अभय कुमार पंडित हैं और सहायक रिया शाह। देखिए इसमें जो है छापामार कला का दिखाया गया बहुत ही सुंदर, अंग्रेज छिपे हुए देखिए डर से छिपा छिप करके वो आक्रमण कर रहे हैं। हाँ आइए देखिए एकदम बहादुर है, घोड़े पर सवार है और घोड़े में भी गुस्सा झलक रहा है, देखिए गुस्सा घोड़ा भी जो मतलब देशभक्त घोड़ा है, दगाबाज नहीं है, बहुत सुंदर देखिए घोड़े पर सवार है और आक्रमण कर रहे हैं छापामार युद्ध, अंग्रेज जो है वो युद्ध के द्वारा भयभीत है आतंकित है, अंग्रेज को छिप करके नहीं रहने दिए, उनकी दिन के चैन रात की नींद हराम कर दिए थे क्योंकि उनको लगता था कि कुंवर सिंह कब हमें मौत बन करके हमेशा उन पर उनके दिल और दिमाग में मौत का एक खौफ बनाए रहते थे और कब उनके द्वारा आक्रमण हो सकता है कि वो लोग आतंकित रहते थे, आतंक के लिए उन्होंने आतंक थे अंग्रेजों का। और उसके बाद जब अंतिम एक ऐसे पराकाष्ठा युद्ध की वीरता की पराकाष्ठा उस समय हुई जब अंग्रेजों को लगा कि भाई ये गंगा पार करके जाएंगे और तब अंग्रेज
अफसर पुरी सैनिकों को लेकर के गंगा, तो उन्होंने अपने तरफ से रूमर फैला दिया कि वो बलिया की तरफ से भागी। हाँ, बलिया बलिया की तरफ से जाएंगे, तो वहाँ पर सारे अंग्रेज सैनिक प्रतीक्षा में थे कि कुंवर सिंह आएंगे तो उनको हम लोग साथ। और जब देखा कि ऐसा नहीं आया, तब उनको पता चला कि ये तो हमें चला गया, नाव के सारे सारे सैनिकों को पार कर दिया था। देखिए, दौड़ करके आए और आने के बाद उस समय जब कुंवर सिंह का अंतिम ये नाव पार कर रहे थे, तो उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे और उसमें बचते बचते भी उनका दाहिना हाथ कलाई जख्मी हो गया, अचख्मी हो गया। तो दाहिने बाएँ हाथ में उन्होंने तलवार लिया और कहा कि भाई ये तो अब इस हाथ देश के लिए बहुत कुछ किया है गंगा माँ, अब ये जो है हाथ तुम्हारे शक्ति से हुआ, अब इससे हाथ को स्वीकार करें। और दूसरे हाथ से उन्होंने अपने बाएं हाथ से तलवार से अपने उस बाह को काट करके गंगा को समर्पित कर दिया। और इस प्रकार से ये हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए एक अजस्र, एक वीर गाथा, अजस्र प्रेरणा और कभी नहीं मिटने वाले वीर गाथा लिख करके हमें हमेशा के लिए सौंप दिया आने वाली पीढ़ी को। उनके इस त्याग और बलिदान से प्रेरणा ही नहीं लेनी है, बल्कि फिर से हमें 80 साल के जो इस देश, इस मिट्टी का ऐसे शानदार इतिहास, शानदार व्यक्तित्व हो सकता है, तो फिर आज हमारी बारी है, करना है हमें भी, चलना है उसी रास्ते पर और चल करके देश और समाज को धन्य करना है। ये आज के लिए हम सब के लिए प्रेरणा है। और आज 160वां वर्षगांठ से जो विजय उत्सव का हम सब के लिए फिर एक संकल्प वर्ष के रूप में हो कि नई पीढ़ी आज फिर से उन्हीं पथों को अपनाएं, भटक गए हैं तो अब हम सुधार लें और अटक कहीं गए हैं तो रास्ता को आगे बना लें। ये बलिदानी वीरों की भूमि हमें आज खून मांगती ताजारे, बंद करो अब चैन की वंशी, उठा लो मारो बाजारे। बलिदानी वीरों की भूमि खून मांगती ताजारे, युवा पीढ़ी के लिए आज हम सब लोग के लिए ये प्रेरणा और का पर्व है। और इस प्रेरणा पर्व को हम लोग जन जन तक पहुँचाए, नई पीढ़ी के बच्चों के सामने ये त्याग और बलिदान को रखेंगे, बच्चों के दिल और दिमाग में जो विभूति, जो हीरो बस जाता है, उसी सांचे में उनका चरित्र बनने लगता है। इसलिए हम अपने बच्चों को ये स्थाति सौंपे, यही आज का युग धर्म है, यही इसी विजय उत्सव का उद्देश्य है। बहुत ही बढ़िया ये बनाया गया है म्यूरल टेराकोटा, जिसके वरिष्ठ कलाकार हैं पिंटू प्रसाद और सहायक है रश्मि सिंह। और इसमें वीर कुंवर सिंह जो हैं, एक हाथ इनका कट गया तलवार से, इन्होंने काटा खुद, क्योंकि गोली अंग्रेज़ों की गोली से ये दाहिना हाथ जो था वो घायल हो गया था और वो इस हाथ को रखना नहीं चाहते थे, इसलिए तुरंत अपनी तलवार से इस दाहिने हाथ को काट करके गंगा मैया को अर्पित कर दिया। और ये देखिए हाथ जो है नीचे गिरा हुआ है, नाव भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और चेहरे पे थोड़ा भी आह चीख या दर्द का ये एहसास नहीं दिख रहा है, झलक नहीं रहा है कि दर्द है, लेकिन उन्हें गौरव हो रहा है कि एक हाथ मैंने काट दिया जो घायल हो गया था अंग्रेज़ों की गोली से। और यहाँ देखिए अंग्रेज जो है वो भेष बदले हुए हैं और उन पर गोलियाँ चला रहा है, और कुछ जो है उनके सैनिक घायल भी हो, लेकिन इससे पहले, ये घायल होने से पहले, अपने हाथ को काटने से पहले जो थे ये अपने काम, जो उनका मिशन था कामयाब हो गई थी, क्योंकि अपने सैनिकों को गंगा पार करवा चुके थे। हाँ, इसलिए सफल हो गया था, सफल हो गए थे। हाँ, अंग्रेजों को इन्होंने कई बार उनके ही सारे योजनाओं को ध्वस्त करते फेल कर दिया। हाँ, सफल हो करके रहा। और देश में उस समय जितने भी महापुरुष, जितने भी ये स्वतंत्रता सेनानी थे, सबके साथ इनका अंतरंग संबंध था और इस प्रकार से देश के लिए गौरव। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय, और इस भीषण गर्मी में शहीद बाबू वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में आप लोगों ने समय दिया, और साथ ही साथ जो कलाकार हैं टेराकोटा म्यूरल, टेराकोटा कलाकार जिन्होंने अपनी कलाकृतियों का यहाँ प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छा किया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने अपने निर्देशन में इस कार्य को करवाया, और उनके साथ साथ जो उनके मुख्य सचिव हैं
श्री अंजनी कुमार सिंह जी वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके निर्देशन में ही यह कार्य संपन्न हुआ है और इस म्यूरल टेराकोटा प्रदर्शनी में के सफल निर्माण में उपेन्द्र महाथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के जो सहायक निदेशक हैं श्री क्या नाम है अशोक कुमार सिन्हा जी, उनका भी बहुत ही योगदान है, वो भी बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ बिहार सरकार के युवा कला युवा और संस्कृति विभाग के जो जो यहाँ वो उनके जो माननीय कला मंत्री हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जिनके आशीर्वाद से यह काम संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जाता है यहाँ के बाबू वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क के जो यहाँ के निदेशक हैं और जो यहाँ के माली हैं, जो कि यहाँ की सुंदरता को बनाए रखा है और रंग बिरंगे फूल जो मुस्कुरा रहे हैं यहाँ झूम रहे हैं, इसमें यहाँ के मालियों का भी योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। अमृत हिंदी न्यूज यूट्यूब पटना बिहार सबके लिए जल भविष्य की शुभकामनाएं, और हम लोग भी इसी रास्ते पर चलेंगे, नई पीढ़ी को लेकर चलेंगे, ऐसा हम सबका संकल्प। इतिहास को साकार दृश्यों में बदल दिया। धन्यवाद।